सो वेल गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि क्यों नॉलेज पैनल एक आर्टिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद काफ़ी रिक्वेस्ट आई आप भाइयों की एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए अबाउट नॉलेज पैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप गूगल नॉलेज पैनल को क्रिएट कर सकते हो एज एन आर्टिस्ट, और किस तरह से आप उसे क्लेम कर सकते हो। इट्स अबाउट सुल्तान, यू आर वॉचिंग नो हिप हॉप, सो लेट्स स्टार्ट रोलिंग विद दिस वन। सो वेल गाइस, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको चैनल का न्यू इंट्रो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि गूगल नॉलेज पैनल आखिर चीज़ क्या है। गूगल नॉलेज पैनल गूगल का एक नया प्रोडक्ट है जिसके थ्रू वो डिफरेंट एंटिटीज़, सेलिब्रिटीज़, पर्सनैलिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस की एक समरी आपको देता है, जहां पर उनकी अचीवमेंट्स, उन्होंने अभी तक क्या क्या काम किया है उसकी एक अपडेट, उनकी पर्सनल डिटेल्स, उनकी प्रोफेशनल डिटेल्स का एक समअप, एक समरी आपको प्रोवाइड करता है, जहां पर कि आप उनके डिफरेंट काम को चेकआउट भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि ये आपके लिए एज एन आर्टिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, हम सभी को पता है कि गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, और जब भी हमें किसी आर्टिस्ट के बारे में, किसी म्यूजिशियंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता करनी होती है तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, गूगल पे। यस गाइस, और गूगल पे गूगल नॉलेज पैनल उस आर्टिस्ट की आपको वो सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट करके आपको देता है, और साथ ही साथ वहाँ पर जाकर आप उनके प्रोडक्ट्स, उनके म्यूजिक्स, उनकी एल्बम, उनके EP को भी चेकआउट कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप उनके यूट्यूब चैनल्स पे जो उनका कंटेंट है वो भी एक्सेस कर सकते हैं। उनके लाइफ में पर्सनल डिटेल्स क्या है वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनकी बायो, और यहाँ तक कि उनकी लाइफ में जो नए अपडेट्स आ रहे हैं वो भी आप गूगल नॉलेज पैनल के थ्रू इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो यस गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इंडस्ट्री, आपके फैंस, रिकॉर्ड लेबल्स और बाकी लोग ये जानने में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं कि आप अपने आप को एज आर्टिस्ट कितना सीरियसली ले रहे हैं। और इसी सीक्वेंस में अगर आप अपने गूगल नॉलेज पैनल को क्रिएट करते हैं और उसको आप क्लेम करते हैं, तो इससे आपके सीरियसनेस टूवर्ड्स योर प्रोफेशनल करियर एज एन आर्टिस्ट दिखती है। तो ये काम आप फटाफट कर लीजिए। सो वेल गाइस, अभी भी जितने इंडिया के बड़े आर्टिस्ट हैं, काफ़ी सारे आर्टिस्ट ने अभी तक अपने गूगल नॉलेज पैनल को क्लेम नहीं किया है, बट इस इन्फॉर्मेशन को इस चैनल पे लेकर आने का मकसद ही यही है कि आप लोग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपने इस अकाउंट को 100% जाके क्लेम कीजिए। जिस तरह से आप अपने स्पॉटिफाई अकाउंट को, अपने आर्टिस्ट अकाउंट को क्लेम करते हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स को क्लेम करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो उस तरह से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले आप अपने गूगल नॉलेज पैनल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, जब भी आपके सॉन्ग्स लॉन्च होते हैं किसी भी लेबल के थ्रू और वो जाते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, म्यूज़िक स्टोर्स पे, तो वहाँ पर उनकी एंटिटी क्रिएट की जाती है, और जब लेबल उन सॉन्ग्स को लॉन्च करता है तो ये आपके गूगल नॉलेज पैनल में भी रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। बट क्योंकि अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है तो आपको लेबल का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। सो गाइस, मैंने क्या किया है कि मैंने डिस्ट्रोकिड के थ्रू जाके अपने सारे ही सॉन्ग्स, अपनी EP और सिंगल्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जो कि स्पॉटिफाई, अमेजन, सावन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, iTunes पे अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप भी सिमिलरली डिस्ट्रोकिड के थ्रू अपने सॉन्ग्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे। YouTube पे भी जाके आपके आर्टिस्ट चैनल को ये क्रिएट करता है, स्पॉटिफाई पे भी आपके आर्टिस्ट चैनल, आर्टिस्ट अकाउंट को ये अपडेट करता है जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी है, डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी है, प्रॉपर डिटेल्स वहाँ पर दे रखे हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो जैसे ही आपके सॉन्ग्स इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स पे लाइव हो जाते हैं, गूगल आपके लिए आपका एक नॉलेज पैनल ऑटोमेटिकली रेडी कर लेता है, और वहाँ पर जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। सो वेल गाइस, आप प्रैक्टिकली जाकर देखते हैं गूगल पे और टाइप करते हैं MC Stan, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं MC Stan का गूगल नॉलेज पैनल आपको सामने दिख रहा है। यहाँ पर उनके बारे में उनकी पर्सनल डिटेल्स, उनके बेस्ट सॉन्ग्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो सॉन्ग्स लाइव हुए उनके लिंक, उनके यूट्यूब चैनल की डिटेल्स और बाकी अपडेट्स भी आपको देखने को मिल सकती है, बट अभी तक उन्होंने अपना ये चैनल क्लेम नहीं किया। सो गाइस, अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मेरा गूगल आर्टिस्ट नॉलेज पैनल, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसे ऑलरेडी क्लेम कर रखा है। क्लेम कैसे किया है मैंने वो समझना आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपके सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और आपको अपना नॉलेज पैनल गूगल पे दिखने लग जाए, तो सबसे पहले आपको एक ऑप्शन आता है क्लेम दिस नॉलेज पैनल, जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले उसे क्लेम करना है। सो वेल गाइस, जैसे ही आप अपना नॉलेज पैनल को क्लेम करने जाते हैं, तो सबसे पहले ध्यान ये रखिए कि आपको एक गूगल ID चाहिए होगी, एक Gmail ID चाहिए होगी, वो ID जिसके थ्रू आपने अपने YouTube चैनल को, ऑफिशियल YouTube चैनल को क्रिएट किया। तो आपको गूगल में उस ID के थ्रू लॉगिन करना है, और नाउ यू आर रेडी टू
क्लेम योर नॉलेज पैनल। तो जैसे ही आप अपने नॉलेज पैनल को क्लेम करते हैं तो आपके सामने दो तीन ऑप्शन आते हैं। और गाइस इसका आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ अपने नॉलेज पैनल को क्लेम करना है, किसी और आर्टिस्ट के नॉलेज पैनल को क्लेम करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। एल्गोरिथम जितने टाइट है गूगल के, इतने स्ट्रिक्ट है कि आप उसे नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्लेम करना है अपना गूगल नॉलेज पैनल। आप अपनी आईडी से इसमें एक्सेस करते हैं और एक्सेस करने के बाद आपके पास दो तीन ऑप्शन आते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछता है किसी ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि ट्विटर हो गया, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया। वहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट्स देने पड़ते हैं अपने इन ऑफिशियली वेरीफाइड हैंडल्स के। अगर आप वेरीफाइड नहीं भी है तो अपने ऑफिशियल हैंडल्स के स्क्रीनशॉट्स, जिसमें कि आपको ये ऑप्शन दिख रहा हो कि आप अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, मतलब कि ये प्रोफाइल जो है वो आप पर्सनली मैनेज करते हैं और आपके पास राइट्स है अपने प्रोफाइल को मैनेज करने के। इसके अलावा कई बार ये पूछा जाता है कि आप अपने यूट्यूब अकाउंट, जो आपका ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट है, उसको एक्सेस करें। वहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी और पासवर्ड डालना होता है। ये वही जीमेल आईडी है जिसके थ्रू आपने अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। और कभी कभी ये आपसे पूछता है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन थ्रू योर ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है तो बाकी दोनों वेज के थ्रू आप इजीली से एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आपसे ये कहा जाता है कि आपको अपनी कोई भी गवर्नमेंट आईडी के साथ उसको होल्ड करते हुए एक फ़ोटो क्लिक करनी है और उसकी जो सेल्फी है उसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट करनी है। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जाता है कि आप इस गूगल नॉलेज पैनल को क्यों क्लेम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको ये रीज़न देना है कि आप चाहते हैं कि आप अपने फैंस, अपने सपोर्टर्स के पास अपनी बेस्ट इन्फॉर्मेशन, जो अपडेटेड रियल इन्फॉर्मेशन है, आप वो प्रोवाइड करें। और उसके बाद आप इजीली अपने गूगल नॉलेज पैनल में रिक्वेस्ट सबमिट कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर ली है। कई केसेस में 2 से 4 दिनों के अंदर ये आपकी अप्रूव हो जाती है, कई केसेस में महीने भी लग जाते हैं। तो यहाँ पर 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, 21 दिन भी लग सकते हैं, और हो सकता है कि 2 से 3 महीने भी लगे। गूगल की पॉलिसीज इस मामले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और पेशेंटली यहाँ पर अपने गूगल नॉलेज पैनल के अपडेट होने का वेट कीजिए। और साथ ही साथ जब तक आपको लगता है कि आपके सामने जो नॉलेज पैनल, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आपको एडिट का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप जैसे कि देख सकते हैं, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, फीडबैक सबमिट कर सकते हैं और मैन्युअली गूगल की जो टीम है तो उसे चेक करती है और देखती है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन उन्हें लगता है कि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो उसे वो फटाफट अपडेट भी कर देती है। सो वेल गाइस, पेशेंटली आपको वेट करना है अपने नॉलेज पैनल के अपडेट होने का। ये एक मेल के थ्रू आपको बताया जाता है और उसके बाद इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं अपने गूगल नॉलेज पैनल को और वहाँ पर अपनी करंट डिटेल्स, अपनी अपडेट्स वहाँ पर आप इजीली पोस्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। किसी एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए। और आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे एपिसोड। इट्स अ बस सुल्तान साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नो हिप हॉप। टिल देन लॉट्स ऑफ लव एंड पीस।